हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार के सुपर शो कार्यक्रम के बाद सी मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार के सुपर 30 से प्रेरणा लेकर हरियाणा ने सुपर 100 शुरू किया था। जेईई के इस बार के एग्जाम में सुपर 100 में 23 बच्चों का चयन हुआ है। इस दौरान राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए हमेशा डर दिखाकर राज किया। भोली भाली जनता को बरगलाने के फॉर्मूले कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस की एकजुटता पर भी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में लड़ाई जनता के हित की नहीं कुर्सी की है। वहीं विधायक असीम गोयल के धरने पर सीएम ने कहा मैं असीम गोयल से बात करूंगा। और वहीं एसीएस पीके दास पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा कि अधिकारी को जो हम कहेंगे वही अधिकारी करेंगे, कुछ चीजें अधिकारी के वश में भी नहीं होती है। मुख्यमंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों और अन्य लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने सीएम मनोहर लाल द्वारा नौकरी की बहाली के आश्वासन पर कहा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी वो आभार व्यक्त करते हैं और सीएम मनोहर लाल का भी वो दिल से शुक्रगुजार करते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कुछ पोर्टल में तकनीकी रूप से कमी आ रही है, उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज मंडियों में खरीद सुचारू रूप से हो रही है और किसान खुश हैं। उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान सॉफ्टवेयर को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उसको ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा अनाड़ी वाला काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज एमएसपी भी है और मंडियां भी हैं लेकिन कांग्रेस ही सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि ये किसानों का नहीं कांग्रेस का आंदोलन है। गुहाना में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी यहां फोटो सेशन के लिए आते हैं और उसके बाद वापस विदेश चले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान हुड्डा से गाड़ी पर कपड़ा मरवाकर बड़ौदा का स्टीयरिंग सुरजेवाला के हाथ में दे देंगे। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में उन्होंने कहा कि सिंबल एक होगा और उम्मीदवार दोनों का साझा होगा। इस दौरान अंबाला के विधायक असीम गोयल के धरने पर बैठने पर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वो भी आड़ती हैं और उनको भी वहम हो गया है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी लेकिन किसी की आमदनी कम नहीं होने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने हरियाणा के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। बबीता ने अपना त्याग पत्र खेल विभाग के प्रधान सचिव को भेजा है। उन्होंने त्याग पत्र देने का कोई कारण नहीं बताया। बबीता को कुछ दिन पहले इस पद पर नियुक्त किया गया था। इस पर कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल भी उठाए थे। बबीता ने बीजेपी के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वहीं कृषि कानूनों को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का घेराव करने किसान पहुंचे। कल से बाबा भूमण शाह चौक पर धरना लगाकर किसान बैठे थे जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे किसान भी उतर आए हैं। रतिया में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर दूसरे किसान विरोध पर उतर आए हैं। सिरसा में किसानों की गिरफ्तारी पर एसडीएम का कहना है कि किसानों को दशहरा ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी लेकिन इन्होंने जबरन सड़क जाम की, जिस पर किसान नेता मनदीप सिंह और स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने प्रशासन पर ज्यादती का आरोप भी लगाया है। सिरसा में आंदोलन कर रहे किसानों को हिरासत में लेने के मामले को लेकर रतिया में किसानों में भारी रोष है। किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। किसानों का कहना है कि हिरासत में लिए गए किसानों को पुलिस जल्द रिहा नहीं कर रही है। अगर वो जल्द रिहा नहीं करती है तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो वहीं किसानों का कहना है कि वो सरकार से किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं हैं। जब तक दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला अपने पदों से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सिरसा बरनाला रोड स्थित दशहरा ग्राउंड में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की। किसानों का कहना है कि हमारा सरकार से विरोध नहीं है, हम अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की गिरफ्तारी कर तानाशाही कर रही है, अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों का कहना है कि गिरफ्तार किसान की जल्द रिहाई नहीं की गई तो वो सड़कों पर अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे।
धान खरीद को लेकर किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को खरीद एजेंसी हेफेड से कर्मचारी के न आने के चलते तीसरे दिन भी किसानों ने टोहाना फतेहाबाद रोड को जाम कर दिया। जाम के चलते आमजन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पाकर थाना शहर प्रभारी सुरेंद्र मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और जाम लगाए रखा। मंडियों में किसानों की परेशानी को लेकर अंबाला सिटी से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने धरना दिया। बता दें कि असीम गोयल हरियाणा विधानसभा के बाहर किसानों की परेशानी को लेकर धरने पर बैठे थे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत भी की। हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों की गलतफहमी दूर होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अधिकारियों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। विधायक असीम गोयल ने अधिकारियों पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद को सिस्टम से ऊपर ना समझे। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास पर हमला करते हुए कहा कि पीके दास सिस्टम में सुधार करें। अंबाला छावनी अनाज मंडी में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान तीन चार दिन से अपनी फसल को मंडी में लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक फसल का उठान नहीं हुआ। किसानों ने बताया कि सबको व्हाट्सएप पर पास भेजा जाता है और उसी पास के आधार पर मंडी के अंदर एंट्री होती है। तो वहीं किसानों का कहना है कि हमें व्हाट्सएप पर पास तो नहीं मिला, अगर पास व्हाट्सएप पर नहीं मिला है तो पास वो कैसे लाते। जबकि मंडी के अधिकारियों का कहना है कि फसल पूरी तरह से उठाई जा रही है, किसी तरह से किसानों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। और वहीं किसान फसल को लेकर परेशान है, तो साथ ही कुछ किसानों को एमएसपी के बारे में जानकारी नहीं है और वाड़ी के सहारे ही मंडी में बैठे हुए हैं। कौसली की अनाज मंडी में किसान मजदूर और आड़ती धरने पर बैठे हुए हैं। बाजरा खरीद में हो रही परेशानी को लेकर किसानों और आड़तियों में रोष बना हुआ है। किसानों की मांग है कि यहां एक दिन में केवल 50 किसानों का ही नंबर आ रहा है बाजरा बेचने के लिए, जो कि नाकाफी है। कम से कम 400 किसानों को प्रतिदिन फसल बेचने का मौका जरूर मिलना चाहिए, वरना ये बाजरे की फसल यहाँ नहीं लाएंगे और तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। तो वहीं सोनीपत की मंडी में अन्नदाता अपने धान की फसल को लेकर पहुंचे, जहां पर परेशानी कम नहीं हुई। किसानों का आरोप है कि मंडी में ना तो कोई सुविधा मिल रही है और फसल का भाव भी बहुत कम मिल रहा है, जिसके बाद किसान परेशान होकर वापस फसल को लेकर जा रहे हैं। और वहीं अधिकारियों का कहना है कि उनके संज्ञान में कोई मामला नहीं है और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। गोहाना नगर परिषद में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारी कल से तीन दिन की भूख हड़ताल पर हैं। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में भी सरकार के खिलाफ प्रचार करने की भी बात उन्होंने कही। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने विभिन्न मांगें लागू करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन मांगों के बारे में कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। कर्मचारी नेता प्रवेश परोचा ने कहा कि कई दौर की बातचीत सरकार से हुई है, सरकार ने आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन फिर भी अपने वादों से सरकार पीछे हट गई है। नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर तीन दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। दूसरे दिन नगर परिषद कार्यालय में 8 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रदेश में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के 12,000 पदों पर भर्तियां की जाए, फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, साथ ही न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिया जाए। और वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कैथल में सिविल सर्जन अधिकारी के कार्यालय के बाहर विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के बैनर तले कुछ विकलांग लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इंद्री में नगर पालिका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की। हरियाणा की राज्य कमेटी के फैसलों के अनुसार इंद्री नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राज्य सरकार की ओर से ठेका प्रथा को खत्म कर दिया गया है। लगभग पिछले 15 साल से ठेके पर लगे कर्मचारियों को हटाने का फरमान जारी किया जा रहा है।
जज्जर में धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत के बाद राहत की सांस ली है। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने बताया कि उनके प्रतिनिधिमंडल की सी मनोहर लाल से काफी सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो 7 से 8 दिनों में ही 1983 बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों को एडजस्ट करेंगे। शिक्षकों को पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है वो उसे जरूर पूरा करेंगे। पिछले 115 दिनों से प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को अब मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद उनकी बहाली की उम्मीद जगी है। सिरसा में धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों ने भी उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उनकी सम्मानजनक उन्हीं पदों पर बहाली की जाएगी और वो इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त करेंगे। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध तरीके से गर्भपात करने जा रहे डॉक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि संजय कॉलोनी में रह रहा एक डॉक्टर अवैध तरीके से गर्भपात कराता है, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की। आरोपी डॉक्टर लोगों से गर्भपात के एवज में 5 से 15 हजार तक वसूलता था, जिसके बाद टीम ने एक नकली ग्राहक भेजा, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चौहाना जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पंजाब के 2 लोगों को लुधियाना के ढेला गांव से गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दे दी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम में सीआरपीएफ के आरएएफ विंग के 28वीं वार्षिक महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री के रूप में शिरकत की, मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में सीआरपीएफ की महिला जवानों ने भी अपने साहस का परिचय दिया। 240 सदस्य टीम ने पराक्रम और साहसी सलामी के बीच एहसास कराया कि महिलाओं ने सीआरपीएफ में देश की सुरक्षा के लिए मेहनत कर महिला बटालियन को नारी शक्ति के रूप में तैयार किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सीआरपीएफ की भूमिका को अहम बताया। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा विश्व इससे पार पाने की कोशिश में लगा हो, तो वहीं फतेहाबाद के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां के ग्राम पंचायतों को कोरोना का खौफ ही नहीं है। जिले के 2 पंचायतों के ऐसे ही मामले सामने आए जिन्होंने न केवल कोरोना टेस्टिंग करवाने से इनकार किया बल्कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी पारित किया है कि गांव में कोरोना टेस्टिंग नहीं की जाएगी, अगर कोई टीम आती है तो ग्रामीणों द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। पलवल में एक क्षेत्रीय विवाद और बधाइयां मांगने को लेकर हुए झगड़े में जांच के लिए शहर थाना बुलाए गए। 2 किन्नर गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान थाने में किन्नरों में जमकर मारपिटाई हुई और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। करीब 10 मिनट तक हुए झगड़े के बाद पुलिस ने दोनों गुटों को शांत कराया और झगड़े करने वाले 5 किन्नरों को हिरासत में लिया। पुलिस ने थाना में झगड़ा करने पर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर अभी रुका नहीं कि गुरुग्राम जिला प्रशासन के सामने प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी चुनौती सामने आई है और इस चुनौती से निपटने के लिए प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने गुरुग्राम के कई विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक्शन प्लान भी तैयार किया है। इस एक्शन प्लान के तहत सभी विभागों को आने वाले समय में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर नियम अपनाने की योजना बनाई गई है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर बैन लगाना, गुरुग्राम से बाहर के इलाकों में पराली जलाने पर नजर रखना और शहर में 3-व्हीलर जैसे वाहनों से प्रदूषण पर कंट्रोल करना। तो वहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुरुग्राम में 18 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जो कि हॉटस्पॉट हैं और इन स्थानों पर विशेष तौर से निगरानी रखी जाएगी। रेवाड़ी में रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों की संख्या में अब धीरे धीरे इजाफा होने लगा। यही वजह है कि रेवाड़ी डिपो ने प्रतिदिन की आय में राज्य में 4th स्थान हासिल किया है। इसे डिपो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वैसे तो रेवाड़ी में ट्रेन सुविधा भी काफी सही है, लेकिन इन दिनों ट्रेन रूट बंद है, जिसके चलते यात्रियों के पास शहरों तक जाने के लिए बस ही एकमात्र साधन है, जिससे रेवाड़ी रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
नारनौल में नगर परिषद की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। नगर परिषद नारनौल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हुए नगर पार्षद मीना सोनी ने नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पहले भी नारनौल नगर परिषद में कई अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठ चुकी है। पार्षद मीना सोनी की माने तो जो छलक नदी निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें नगर परिषद में बिना उसके संज्ञान के मामला लाए, उनके अधिकारों का हनन करते हुए बिना साइन के उसके ठेकेदार का लगभग 2 करोड़ रुपए का बिल पास कर दिया। मीना सोनी ने एक शिकायत पत्र में नगर परिषद के अधिकारियों को इसकी जांच की मांग की है। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में एक कलयुगी माता पिता ने अपने ही बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। माता पिता ने बच्चे को कई जगह से बीड़ी से दागा भी और बेल्ट से पीटा। 5 साल के बच्चे ने अपने माता पिता पर बीड़ी से जलाने और बेल्ट से पीटने का आरोप भी लगाया है। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और बच्चे के नाना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आदर्श नगर थाने के तहत आने वाली सुभाष कॉलोनी में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। दोनों की ही दूसरी शादी हुई है। महिला ने अपने पहले पति के 5 साल के बच्चे को अपने पास रखा हुआ है लेकिन वो लगातार उसे प्रताड़ित कर रही थी। लंबे वक्त से कौसली में हो रहे अवैध निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में कौसली के नया गांव मोड़ पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में डीटीपी विभाग ने 6 अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया जिससे भू माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। डीटीपी की माने तो इन अवैध निर्माण करने वालों को कई दिन पहले नोटिस जारी किए गए थे। फरीदाबाद के नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने डबुआ पाली रोड पर बन रहे अवैध निर्माण को धराशायी किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माणों की सूचना पर नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने जेसीबी और अर्थ मूवर की सहायता से अवैध निर्माण को जमींदोज किया। फरीदाबाद के डबुआ पाली रोड पर नगर निगम के जेई ने हरियाणा न्यूज के पत्रकार के साथ धक्कामुक्की की। बुधवार को डबुआ पाली रोड पर अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने धराशायी कर दिया जिस पर सवाल पूछने पर जेई सुमेर सिंह भड़क उठे और हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की, धक्कामुक्की करने लगे। पलवल में किन्नरों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया। किन्नरों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही यहां फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। किन्नरों का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वही पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ गुरुग्राम के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में हुई जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में जो मुठभेड़ हुई उसमें 3 कुख्यात बदमाश घायल भी हुए। घायल तीनों बदमाश सूबे गुज्जर गैंग के शार्प शूटर हैं और पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके। पुलिस के अनुसार मंगलवार को सूचना मिली थी कि सूबे गुज्जर गैंग के 3 कुख्यात बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से धुनेला गांव में टहल रहे हैं। तो वही सूचना के आधार पर तत्काल एक स्पेशल टीम गठित कर बदमाशों के पीछे लगा दी। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए नंगली रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक बिना नंबर वाली बाइक सवार 3 युवक वहां से नजर आए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया तो युवक फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी मुस्तैदी से जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 110 कारतूस और एक पिट्ठू बैग और एक बाइक भी बरामद की। हांसी के भाटला महजत रोड से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। दरअसल कुछ बदमाशों ने व्यापारी को 11 लाख रुपए लूट के बाद कार में जिंदा जला दिया। दरअसल युवक ने अपने परिजनों को फोन पर बताया था कि 2 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी उसका पीछा कर रहे हैं जिसके बाद युवक ने लूटकर उसे जिंदा जला दिया। सोनीपत में एनएच 44 पर जीटी रोड पार करते वक्त एक महिला कैंटर के चपेट में आ गई। महिला के एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। वारदात के बाद कैंटर चालक कैंटर छोड़कर मौके से फरार हो गया और वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।